मॉर्निंग सर, बहुत नमस्कार डियर। इन टुडेज क्लास, इन टुडेज सेशन, आई एम गोइंग टू टीच द स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 9 फ्रॉम द बुक ऑफ बी हाइव, चैप्टर नंबर सिक्स, दैट इज माय चाइल्डहुड। दिस लेसन इज बिलोंग्स टू अ ग्रेट पर्सन, अ ग्रेट साइंटिस्ट, दैट इज नोन एज ऑल्सो द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनकी बायोग्राफी पढ़नी है इस लेसन में, बहुत अच्छा लेसन है, इंस्पायरिंग लेसन है। आप इस लेसन को पढ़ के उनसे कुछ इंस्पिरेशन लेंगे, आपको कुछ लेसन मिलेगा, आप कुछ अपने जीवन में सीख पाएंगे। तो टाइटल इस लेसन के से बताया जा रहा है चाइल्डहुड, माय चाइल्डहुड। किसके चाइल्डहुड के बारे में बात की जा रही है? डॉक्टर APJ कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की जीवनी के बारे में, उनकी ऑटोबायोग्राफी के बारे में बताया। पहले जान लेते हैं अबाउट द ऑथर, अबाउट द राइटर ऑफ दिस लेसन। बताया जा रहा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वाज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री, आवर इंडिया, एंड ही वाज बोर्न ऑन अक्टूबर 15, 1931 इन रामेश्वरम, तमिलनाडु। यू नो ही स्टडीड फिजिक्स एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग एंड बिकम अ साइंटिस्ट। ही सर्व द डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फॉर नियरली 4 decades एंड ही इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। कलाम साहब वॉज अ वेरी पॉपुलर अमंग द चिल्ड्रन, ही ऑफन एनकरेज देम विद हिज हाई पावर्ड फिलॉसफी एंड बिसाइड इट ही वॉज एन एक्सलेंस राइटर ऑल्सो एंड ही रीड हिम इन डिटेल इन हिज ऑटोबायोग्राफी Wings of Fire। Obviously, he was a true nationalist. He died on 27 July 1915 due to the cardiac arrest. You know about already introduction of the writer. Now I'm talking about the theme or the central idea of this lesson. Central idea of this lesson is that telling that the theme of this story is reflect on the harmony of reduced present in Indian society. It is saying that इस कहानी में भारतीय समाज में विद्वान सामंजस्य और क्या बोलते हैं अनुमान लगाना जिसको बोलते हैं उसको अनुग्रहित किया गया है, उसमें इसको पढ़ाया गया है। इस प्रभावकारी लेशन में कलाम साहब के बचपन की घटनाओं के माध्यम से हमें हम रीडर को बताया जा रहा है कि उनका जीवन किस मुश्किल में गुजरा है, उनका जीवन उनका बचपन किस मुश्किल में गुजरा था और उसने मुश्किल में होने के बाद भी वो हमारे भारत के 11वें राष्ट्रपति कैसे बने, उनके पीछे उनका क्या स्ट्रगल रहा है, वो सारा कुछ पर। ठीक है, चलते हैं लाइन लाइन बाई लाइन स्टोरी। देख पा रहे हैं आप यहाँ पे आपका टेक्स्ट बुक स्क्रीन पे आ गया है और इसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे हम लोग। देखे हैं कलाम साहब इन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस लेसन, आई इज रेफर्ड फॉर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एंड ही इज सेइंग दैट आई वाज बोर्न इन इनटू अ मिडिल क्लास Tamil family in the island town of Rameswar in East while Madras state, and my father Jalaluddin had neither much formal education nor much wealth. In this paragraph, Kalam Sahab was explaining about his
family that he said that he belongs to a middle class family like me and like you, and his father was Janabuddin. You can see over the name of his father, and he's also saying that his father was not a formal education, not has a formal education, and even lots of wealth, मतलब poor family से belong करते थे. उनका जन्म रामेश्वरम की एक आइलैंड में शहर में हुआ था. आइलैंड सॉरी मद्रास में एक आइलैंड है जिसकी नाम है रामेश्वरम, उस जगह पे उनकी जन्म हुई. Now, despite this disadvantages, he possesses great innate wisdom and a true generosity of spirit. बताते हैं तमाम साहब कि उनके पिता पढ़े लिखे भी नहीं थे, इवन वो धनी भी नहीं थे, तब भी उनमें जो डिसएडवांटेज थी वो अनपढ़ थे और वेल्दी भी नहीं थे, ये उनकी डिसएडवांटेज थी, फिर भी उनमें एक महान बुद्धिमता थी, उनमें एक अजीब तरह का जेनरोसिटी थी, एक स्पिरिट थी लोगों के प्रति उनका विनम्र व्यवहार. एंड ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माय मदर आसियामा. बताते हैं कलाम साहब उनके पास एक आदर्श माँ भी थी, उनके माँ का नाम था आसियामा. एंड आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल सी फेड एवरी डे, बट आई एम क्वाइट दैट फॉर मोर आउटसाइड एट विद अस देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली पुट टुगेदर. अब ये कलाम साहब बताते हैं कि वो परफेक्ट नंबर ऑफ फैमिली नहीं जानते, बिकॉज ऑफ देयर इज लॉट्स ऑफ पीपल यूज टू ईट मील एट हिज होम, मतलब आउटसाइड के जो बाहर के पड़ोस के लोग भी थे उनमें से बहुत सारे लोग उनके यहाँ खाना खाने आया करते थे, बिकॉज ऑफ द जेनरोसिटी ऑफ जैनुद्दीन कलाम एंड हिज मदर आसियामा. दोनों को जो जेनरस कैटेगरी के इंसान थे, इसलिए पास पड़ोस के लोगों को भी बुलाकर अपने यहाँ खाना खिला देते थे, और इसीलिए कलाम साहब बताते हैं कि वो अपने फैमिली मेम्बर के परफेक्ट काउंटिंग को नहीं बता सकते कि उनके परिवार में कितने लोग थे. In the second stanza, second paragraph, he is telling that I was one of many children. बहुत सारे बच्चे उनके घर पे खाना खाने आते थे, उसमें से वो एक ऐसे बच्चे थे जो short boy था. Short boy with rather undisguised looks, born to tall and handsome parents. अब बताते हैं कि बहुत सारे बच्चों में वही एक ऐसे बच्चा थे जो दिखने में अगली थे, अगली से कुरूप थे, दिखने में स्मार्ट नहीं थे, जबकि उनके माता पिता बहुत हैंडसम थे. He lived in our ancestral house which was built in the middle of the 19th century and it was a fairly large pakka house. अब ये कलाम साहब बताते हैं कि वे सारे के सारे वो पूरा परिवार अपने पूर्वजों के घर में रहा करते थे, मतलब पूर्वजों के द्वारा बनाया गया जो घर था उसमें वो पूरा परिवार रहते थे. वो घर 19th सेंचुरी के मिडिल में बनाई गई थी, 19th सेंचुरी के मिडिल में बनाई थी, एंड बताया गया कि वो जो घर था जो पूर्वजों के द्वारा बनाया गया था वो एक पक्का हाउस था, सीमेंटेड हाउस था, मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ग्रीक एंड ऑन द मस्की स्ट्रीट इन रामेश्वरम. रामेश्वरम जैसा मैंने बताया एक आइलैंड टाउन है रामेश्वरम, मद्रास का आजकल तमिलनाडु हो गया है, तमिलनाडु के रामेश्वर नमक आइलैंड पर उनका घर था, उनका जन्म भी हुआ था. इवन आफ्टर ये रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में उनका घर सिचुएटेड, मस्जिद वाली गली में उनका घर सिचुएटेड था. अब आगे बढ़ते हैं. यहाँ बताते हैं माय ऑस्ट्रियन फादर यूज्ड टू अवॉइड ऑल एसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज, हाउएवर ऑल नेसेसिटीज वर प्रोवाइडेड फॉर इन द टर्म ऑफ फूड मेडिसिन और क्लॉथ्स. इनफैक्ट आई वुड से माइन वाज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड बोथ मैटरनली एंड इमोशनली. अब ये पहले कलाम साहब बता रहे हैं कि उनके जो पिता थे वो लग्जरियस कंफर्ट को अवॉइड करते थे, जो जीवन को बहुत खुश बनाता हो आरामदायक बनाता हो उस जीवन को वो अवॉइड करते थे, जबकि वो उनके एस्टर फादर के द्वारा दिया जाता था लेकिन वो सब अवॉइड करते थे. इवन आफ्टर कलाम साहब इज सेइंग दैट ही यूज्ड ओनली द थिंग्स दैट इज वेरी नेसेसरी टू सर्वाइव आवर लाइफ.
वैसे वस्तुओं को ज़्यादा महत्व देते थे जो हमारे लाइफ के लिए बहुत आवश्यक हो, उसी वस्तुओं को कलाम साहब के पिता अपने जीवन में महत्व देते थे, बाकी सबको वो अवॉइड करते थे। अब बताया जा रहा है कि उनको कंफर्ट लाइफ के लिए क्या क्या प्रोवाइड किया जाता था, फूड दिया जाता था, मेडिसिन दी जाती थी, अच्छे अच्छे कपड़े दिए जाते थे, लेकिन वो सारे के सारे को अवॉइड करते थे। अब ये कलाम साहब बताने हैं कि इनफैक्ट आई वुड से, मैं ये कहना चाहूँगा कि उनका जो बचपन था बहुत सिक्योर था, बहुत सिक्योर था पेरेंट्स की साइड से भी और इमोशनली बहुत सब लोग उनको बहुत प्यार करते थे। इस तरह से उनका लाइफ बहुत सिक्योर था, बचपन बहुत सिक्योर। आगे पढ़ेंगे, आगे इस थर्ड पैराग्राफ में कलाम साहब अपने शुरू में बताते हैं, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ब्रोक आउट इन 1939 व्हेन आई वॉज ओनली 8 ईयर्स ओल्ड। फॉर रीजन आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड अ सर्टेन डिमांड ऑफ जर्मन सीड इरप्टेड इन द मार्केट। अब ये बता रहे हैं तीसरे पैराग्राफ में कि उनको याद है जब वो केवल 8 साल के थे तो 1939 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड शुरू हुई थी, वर्ल्ड वॉर सेकेंड शुरू हुई थी जब वो केवल 8 साल के थे, और उस समय जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुई तो इसके पीछे बता रहे हैं कि रामेश्वरम की गलियों में टामारिंड सीड का डिमांड पड़ गया। टामारिंड सीड होता है मतलब इमली होता है ना, इमली उसकी जो बीज होती है उसी बीज का डिमांड उनके शहर रामेश्वरम में बढ़ गया था। तब उन्होंने क्या किया, आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू द प्रोविजन शॉप ऑन मस्की स्ट्रीट। जब इमली के बीज की डिमांड उनके शहर में बढ़ गई तो उन्होंने क्या किया, इमली के बीज को इकट्ठा करते थे, कहीं से बीनते थे, चुनते थे और फिर उसे मार्केट में बेच देते थे। ओके, अ डेज कलेक्शन वुड फेच मी द प्राइसली सम ऑफ वन आना। बताते हैं कि दिन भर जब वो इमली के बीज को चुन चुन कर मार्केट में बेचते थे तो बेचने के बाद उनको कितना पैसा मिलता था, एक आना, एक आना पैसा मिलता था। एक आना मतलब द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मनी इन इंडिया, इंडिया का सबसे छोटा यूनिट जो आजकल नहीं चलता वो पैसा उनको मिला था। आगे बताते हैं, माई ब्रदर इन लॉ जनालुद्दीन, जनालुद्दीन आई वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वॉर विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रस्ट इन द हेडलाइंस इन दीना मनी आर्टिकल। अब ये कलाम साहब बताते हैं कि उनका एक ब्रदर इन लॉ जिसका नाम था जलालुद्दीन, वो जलालुद्दीन कलाम साहब को स्टोरी सुनाया करते थे। कौन सी स्टोरी, अबाउट वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड इन विच देयर इज अ हेडलाइन इन द न्यूज पेपर, देर इज हेडलाइन इन द न्यूज पेपर एंड फ्रॉम हेयर फ्रॉम देयर फ्रॉम द न्यूज पेपर कलाम साहब कम टू नो अबाउट द कंडीशन ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। बताया जाता है कि उस न्यूज पेपर का नाम हुआ करता था दीना मनी, जो लोकल रामेश्वरम का लोकल न्यूज पेपर हुआ करता था दीना मनी। एक आइसोलेटेड आई वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाई द वॉर, बट शुड इंडिया वॉज फोर्स टू ज्वाइन द एलियन फोर्स एंड समटाइम लाइक स्टेट ऑफ एन इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर। अब बताया जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब स्टार्ट हुई तो धीरे धीरे इंडिया भी उसमें ज्वाइन कर दिया था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड में इंडिया भी ज्वाइन किया गया था। एंड देन आफ्टर व्हेन इंडिया ज्वाइन द वर्ल्ड वॉर सेकेंड द पीपल हैज टू गो आइसोलेटेड, सब लोग अपने अपने घर में बंद हो गए, नोबडी हैज टू कम आउट फ्रॉम द रूम और होम। आफ्टर दैट देयर इन द स्टेट ऑफ रामेश्वरम, देयर इन द स्टेट ऑफ मद्रास और तमिलनाडु देयर इट कॉल्ड इमरजेंसी, तमिलनाडु या मद्रास नामक स्टेट में इमरजेंसी घोषित कर दी गई। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन, और जब इमरजेंसी घोषित की गई तो सबसे पहले उसका असर कहाँ देखा गया, रामेश्वरम के एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर, सेकंड ट्रेन हॉल्ट, रामेश्वरम के सबसे छोटे स्टेशन पर उस इमरजेंसी का डिक्लेरेशन देखने को मिला, मतलब देयर वाज नोबडी ऑन द स्टेशन ऑन द हॉल्ट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं।
from him. The newspaper now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameswaram route between Rameswaram and Dhanukosi. That forced by my cousin Samsu Deen to distribute newspaper in Rameswaram to look for a helping hand to carry the bundle, and as if naturally I filled the slot. अब आगे बताते हैं कलाम साहब कि जब वो रामेश्वरम के रेलवे स्टेशन मतलब हॉल्ट पे जाते थे तो वहाँ पे ट्रेन नहीं रुकती थी, ट्रेन के विंडो से न्यूज़पेपर के बड़े बड़े बंडल फेंक दिए जाते थे और वहाँ से लोग कलेक्ट करके उसको अपने एरिया में डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे। और ये काम कलाम साहब के भाई शमसुद्दीन किया करते थे। यहाँ देख पाएंगे कलाम साहब का कजन ब्रदर था शमसुद्दीन, वो न्यूज़पेपर का बांटने का काम करते थे उस एरिया में। एंड एट दैट टाइम व्हेन द वर्ल्ड वॉर सेकेंड ब्रोक आउट इन टू द स्टेट इन द कंट्री, पेपर की डिमांड बढ़ गई क्योंकि उस समय मनोरंजन का न्यूज़पेपर ही एक ऐसा साधन था जिससे लोग दुनिया की न्यूज़ को जान सकते थे। इसलिए न्यूज़पेपर का डिमांड उस समय बढ़ गया था जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड शुरू हुई थी। जब वो न्यूज़पेपर की डिमांड बढ़ गई तो शमसुद्दीन अकेले उस पूरे एरिया को कवर नहीं कर पाते थे, पूरे एरिया में न्यूज़पेपर नहीं बांट पाते थे। दैट इज़ वाई शमसुद्दीन टेक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एज ए हेल्पिंग हैंड। अब शमसुद्दीन के काम में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब उनका मदद करने लगे। एंड देन शमसुद्दीन हेल्प मी और माई वॉस पेटेंट। अब ये कलाम साहब बता रहे हैं कि जब मैंने शमसुद्दीन का हेल्प किया तो बदले में उसने मुझे मेहनताना दिया, मतलब कुछ पैसे दिए, और वो उनके जीवन का सबसे पहला मजदूरी था। कलाम साहब के जीवन का सबसे पहला मजदूरी था। हाफ अ सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील द सर्व ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। अब ये बता रहे हैं कि हाफ सेंचुरी के बाद तक वो अपने इस फर्स्ट अर्निंग को भूल नहीं पाए, वो हमेशा याद रखें, और उस फर्स्ट अर्निंग के लिए वो प्राइड भी करते थे कि मैंने अपने जीवन में खुद की मेहनत से कुछ पैसा कमाया, इस बात का उन्हें बहुत प्राउड होता है। इन द फोर्थ स्टैंडर्ड एवरी चाइल्ड इज बॉर्न विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक। अब बताया जा रहा है कलाम साहब के द्वारा कि हर एक बच्चे की अलग अलग क्वालिटी होती है। जब वो जन्म लेता है तो उसके अंदर अलग अलग तरह की क्वालिटी होती है, समझ रहे हैं? जैसे अलग अलग चेहरा होता है इंसान का, अलग अलग आवाज़ होता है इंसान का, वैसे ही अलग अलग बताते हैं कि कैरेक्टरिस्ट होते हैं सब में अलग। इनटू अ स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक विद इमोशनल एनवायरनमेंट एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाय फिगर ऑफ अथॉरिटी आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माय फादर। अब ये बताते हैं कि सब बच्चे में जो डिसिप्लिन जो कैरेक्टरिस्ट अलग अलग होते हैं, लेकिन उनको जो शिक्षा उनको जो संस्कार मिलती है वो अपने परिवार से मिलता है, अपने समाज से मिलता है। और इसीलिए कलाम साहब कहते हैं कि उनके पिता एक ईमानदार काइंड हार्टेड पिता थे, फादर थे, और इसीलिए उन्होंने अपनी ऑनेस्टी को इनहेरिटेड किया। किससे? अपने फादर से उन्होंने ऑनेस्टी सीखी, अपने फादर से उन्होंने डिसिप्लिन सीखा। एंड इवन फ्रॉम माय मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड ड्यू काइंडनेस। अब कह रहे हैं वो अपनी माँ से क्या सीखे? विश्वास रखना, अच्छाई पे ध्यान देना, और इवन काइंडनेस वाली बात कलाम साहब अपनी माँ से सीखते हैं। आगे वो क्या सीखते हैं पढ़ेंगे। आगे वो बताते हैं ब्रदर एंड सिस्टर आई हैड थ्री क्लोज फ्रेंड इन माई चाइल्डहुड। बताते हैं क्योंकि जो तीनों भाई बहन थे वो अपने माता पिता से सेल्फ डिसिप्लिन गुडनेस काइंडनेस ये सारा सब कुछ सीख चुके थे, और उनके तीन भाई बहनों के अलावा उनके जीवन में तीन बहुत अच्छे दोस्त थे, क्लोज फ्रेंड। उनके बचपन के तीन क्लोज फ्रेंड हुआ करते थे, उनका नाम इस तरह है, नाम रामानंद शास्त्री द फर्स्ट क्लोज फ्रेंड, अरविंदन घोष द सेकेंड,
and the Shiv Prakasan was the third friend of M.J. Abdul Kalam. बचपन के उनके तीन दोस्त हुए रामानंद शास्त्री, अविंदर बोस और शिव प्रकाशन. All these boys were from orthodox Hindu Brahmin family. As children, none of us even felt any difference among us outside because of our religion difference and upbringing. अब ये कलाम साहब बता रहे कि ये जो तीनों वकीलों थे, ये तीनों जो थे रामेश्वरम शास्त्री, अरविंदर घोष और शिव प्रकाशन, ये तीनों के तीनों किसी हिंदू ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, किसी हिंदू ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, बट वही एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते थे. लेकिन एज अ चाइल्ड उनके बीच, उन दोस्तों के बीच धर्म की वजह से कोई भी डिफरेंस कभी नहीं आया. उनके अपने लाइफ में धर्म की वजह से कोई भी डिफरेंस नहीं आया. बताते हैं कि none of us felt any difference among ourselves because of our religion. धर्म के आधार पर उनमें कोई भी डिफरेंसेस नहीं था. इवन इन फैक्ट रामानंद शास्त्री वाज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, द हाई प्रिस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल. जबकि कलाम साहब कह रहे हैं कि रामानंद शास्त्री जो उनका फ्रेंड था वो एक हाई प्रिस्ट, एक हाई पुजारी का बेटा था. उस हाई पुजारी का नाम क्या है? पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री. ये पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री के बेटा कौन है? रामानंद शास्त्री, जो एक बहुत बड़े मंदिर के पुजारी का बेटा हुआ करते थे. तभी वो मुस्लिम बच्चों के साथ रहने में उसमें कोई परेशानी नहीं. लेटर ही टूक ओवर द प्रायस्टूड ऑफ रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर. अब बताया जा रहा है कि रामानंद शास्त्री जब बड़ा हुआ तो बाद में उनके पिता ने, रामानंद शास्त्री के पिता ने, सॉरी हाँ रामानंद शास्त्री के पिता ने रामानंद को उस मंदिर की पूजा करने की जिम्मेदारी सौंप दी. बताया जाता है बाद में यह देखा जाएगा. प्रिस्टहुड ऑफ रामेश्वर टेम्पल फ्रॉम हिज फादर और आगे बताया जाएगा. अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स एंड शिव प्रकाशन बिकम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउथर्न टेम्पल. अब ये जो तीनों उनके बचपन के दोस्त थे, इन तीनों का वयस्क जीवन स्टार्ट होता है और वयस्क जीवन में वो अपने लाइवलीहुड, अपनी जीविका कैसे कमाते हैं ये बताते हैं कि रामानंद शास्त्री मंदिर में पुजारी बन गया. उनका दूसरा फ्रेंड था अरविंदन घोष, वो ट्रांसपोर्टिंग के बिजनेस में लग गया. ट्रांसपोर्टिंग के बिजनेस मतलब पिलग्रिमेज, मतलब कुछ हिंदुओं के जो तीर्थ यात्रा होते हैं, तीर्थ स्थल होते हैं, उस तीर्थ स्थल में लोगों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का बिजनेस ये अरविंदन घोष करने लगा. और तीसरा जो शिव प्रकाशन बचा वो साउथ रेलवे के, साउथ रेलवे डिपार्टमेंट के कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर के रूप में जॉब करने लगे. अब ये फिफ्थ पैराग्राफ में बताया जा रहा है. ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी आवर फैमिली यूज टू अरेंज बोर्ड्स विद ए स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल टू मैरिज साइट. अब ये आगे बताया जाए इस लास्ट फिफ्थ पैराग्राफ में कि जब सीताराम कल्याणम की वार्षिक एनुअल हुआ करती थी, वार्षिक उत्सव मनाया जाता था, उस दौरान उनके फैमिली वाले, इनके एपीजे अब्दुल कलाम के फैमिली वाले मतलब मदर फादर, उसमें बिजनेस क्या करते थे? बोट अरेंजमेंट करते थे. और वो बोट अरेंज क्यों करते थे? कि सीताराम की जो स्टैचू होती थी उस स्टैचू को एक जगह से लेकर दूसरी जगह जाया जाता था और उसके बीच में पानी थी, उसके बीच में नदी थी, उसके बीच में समुद्र था और एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए बोट अरेंज किया जाता था एपीजे अब्दुल कलाम के पिता के द्वारा. और वो साइट कहाँ आता था? राम जी के मंदिर से मैरिज साइट पर राम जी का स्टैचू ले जाया जाता था. सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड रामा तीर्थ, समझ रहे हैं? इसके बीच में एक पॉन्ड था जहाँ यहाँ मंदिर से उठाकर उनके स्टैचू को यहाँ ले जाया जाता था. इसका नाम था राम तीर्थ. क्या नाम था? राम तीर्थ, जो अब्दुल कलाम साहब के घर के नजदीक हुआ करता. इवन फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रोफेट बाब द वेद कैंड स्टोरी बाय मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रन इन आवर फैमिली.
अब ये कलाम साहब बताते हैं कि रात को जब वो लोग सोने जाते थे, रात को कलाम साहब जब सोने जाते थे तो उनकी माँ के द्वारा, उनकी दादी के द्वारा, मदर और ग्रैंड मदर के द्वारा रामायण या प्रॉफिट से रिलेटेड अच्छी अच्छी क्वालिटी की स्टोरी सुनाया जाता था कलाम साहब को। और जब अच्छे अच्छे स्टोरी सुनाते हैं हम या हमारे बच्चों को तो उसमें अच्छे संस्कार बढ़ते हैं, इसलिए उसे अच्छे अच्छे स्टोरी सुनाने ही चाहिए। अब आगे आगे चलते हैं। सिक्स पैराग्राफ में है, वन डे व्हेन आई वाज इन द फिफ्थ स्टैंडर्ड एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल अ न्यू टीचर केम टू आवर क्लास एंड आई यूज्ड टू वियर अ कैप विद मार्क मी एज अ मुस्लिम एंड आई ऑलवेज सैट इन द फ्रंट रूम नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री। अब ये सिक्स पैराग्राफ में एपीजे अब्दुल कलाम साहब कह रहे हैं कि एक दिन की बात है, एक दिन जब वो पांचवें क्लास में पढ़ते थे रामेश्वरम के एलिमेंट्री स्कूल में, तब वहाँ पे एक दिन नया टीचर एंट्री लिए, उस स्कूल में एक नया टीचर आए और नया टीचर जब उनके क्लास में एंट्री मारते हैं तब ये कलाम साहब बताते हैं कि मैं टोपी पहना करता था, अपने सिर पे कैप पहना करता था, जो मुझे नोटिस करता था, नोटिफाई करता था कि मैं एक मुस्लिम चाइल्ड हूँ, मैं एक मुस्लिम बॉय है ना, मार्क भी एज अ मुस्लिम का। लेकिन वो मुस्लिम होने के बाद भी सबसे आगे वाले बेंच पर पंडित जी के साथ बैठा करते थे, इसके साथ रामानंद शास्त्री जो एक पंडित हुआ करते थे उसके साथ अब्दुल कलाम साहब फर्स्ट बेंच पर बैठा करते थे। और शायद यही बात इस नए टीचर को हजम नहीं होगी, क्या नहीं होगी हजम, देखते हैं क्या होता है। स्केयर्ड थ्री, अब बताया जा रहा है कि रामानंद शास्त्री जो कलाम साहब के बगल में बैठते थे, रामानंद शास्त्री के गले में जनेऊ हुआ करता था, जनेऊ समझते हैं ना, जनेऊ जो हम लोग पहनते हैं, हिंदू लोग पहनते हैं जनेऊ, बुजुर्ग लोग पहनते हैं जनेऊ, उसी जनेऊ की बात करें, ये जो रामानंद शास्त्री था वो जनेऊ पहना करता था और मैं एज ए मुस्लिम चाइल्ड कैप पहना करता था। द न्यू टीचर कुड नॉट डिस्टर्ब अ हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय, जैसे कि नया टीचर उनके क्लास में गया वो नए टीचर को बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक हिंदू का पुत्र एक मुस्लिम के पुत्र के साथ बैठा हुआ, एक ब्राह्मण का लड़का एक मुस्लिम लड़के के साथ बैठा हुआ है, इस बात को ये नया टीचर सहन नहीं कर पाए। तब क्या करते हैं, इन अकॉर्डेंस विद आवर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सॉ इट आई वाज आस्क्ड टू गो एंड सीट ऑन द बैक बेंच। जब उस न्यू टीचर को ये बात हजम नहीं हुई सोशल रैंकिंग की वजह से, तब कलाम साहब को बोला गया उस नए टीचर के द्वारा कि बेटा वहाँ से उठो, वहाँ से उठो और सबसे पीछे वाले बेंच पर बैठ जाओ, मतलब एक पंडित के बच्चे को अलग कर दिया गया और मुस्लिम के बच्चे को अलग अलग कर दिया गया। आई फेल्ट वेरी सैड एंड सो डिड रामानंद शास्त्री। अब कलाम साहब कह रहे हैं कि जब उनको पीछे वाले बेंच पर भेज दिया गया तो उनको बहुत बुरा लगा, उस बात का उन्हें बहुत दुख हुआ और सेम फीलिंग रामानंद शास्त्री को भी होने लगा, क्योंकि वो दोनों बचपन के दोस्त थे। ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट एज आई शिफ्टेड टू माय सीट इन द लास्ट रो, द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट अ लास्टिंग इंप्रेशन ऑन मी। अब कलाम साहब बताया जा रहा है कि जब उनको लास्ट बेंच पर भेज दिया गया तो उनके आंखों से भी आंसू निकलने लगा और उनके फ्रेंड रामानंद शास्त्री की आंखों से भी आंसू निकलने लगा। और बताते हैं कि ये जो दृश्य था आंसू निकलने वाला उनके ऊपर एक लास्ट इम्प्रेशन छोड़ेगा, उनके जीवन में बहुत दिनों तक ये घटना याद रहेगी और शायद इसीलिए उन्होंने अपने इस ऑटोबायोग्राफी में उस घटना का चर्चा भी किया। आते हैं सेवेंथ पैराग्राफ में, आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट। लक्ष्मणा शास्त्री स्मॉन द टीचर एंड इन आवर प्रेजेंस टोल्ड द टीचर दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड अक्यूमेंट इन्फ्लुएंस इन द माइंड ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन। अब ये रामानंद शास्त्री और कलाम साहब जब अपने घर गए, स्कूल की लीव हुई और जब अपने घर से गए तो रामानंद शास्त्री ने अपने रिस्पेक्टिव पेरेंट्स को वो सारी घटना कह सुनाई, उस नए टीचर के बारे में सारी घटना कह सुनाई, अब नए क्या किए
रामानंद शास्त्री के पिता लक्ष्मण शास्त्री उस टीचर के पास गए और टीचर को बच्चे के सामने ही डांट लगाई। उस टीचर को बच्चे के सामने ही डांट लगाई कि आप एक टीचर हैं, और टीचर को सोशल रिफॉर्मर कहा जाता है, सामाजिक समाज को बनाने वाला कहा जाता है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, इस बच्चों को धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में धार्मिक पॉइजन भर रहे हैं और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए कहा लक्ष्मण शास्त्री ने उस पंडित को। आगे पढ़ेंगे, लिखे हैं यहाँ पे द ब्लंटी आस्क्ड bluntly asked the teacher to either apologize or quiet the school and cry. अब रामानंद शास्त्री के जो पिता थे लक्ष्मण शास्त्री, उन्होंने टीचर से कह दिया कि आपको इस गलती के लिए या तो क्षमा मांगना चाहिए या फिर ये स्कूल छोड़ देनी चाहिए। जो गलती उस टीचर ने की थी, उस गलती के लिए रामानंद शास्त्री के पिता ने कहा कि आपको क्षमा मांगना चाहिए या फिर आपको ये स्कूल छोड़ देना चाहिए। Not only did the teacher regret his behavior, but the strong sense of conviction Lakshmana Shastri conveyed ultimately reformed this young teacher. अब ये लक्ष्मणा शास्त्री के बाद से वो नया टीचर इतना प्रभावित हुआ कि वो उस बच्चों से क्षमा मांग लिया, और क्षमा मांगने के साथ साथ सोशल रिफॉर्मर का काम भी करने लगा। वो बच्चों में अच्छी अच्छी बातें कन्वे करने लगा, समाज को बनाने लगा। अब वो एक अच्छा टीचर बन गया था, छोटी सी एक डांट फटकार लगा देने से वो एक टीचर अच्छा टीचर हो गया। देखते हैं यहाँ पे, आप देख पाएंगे यहाँ पे, ये देखिए रामानंद शास्त्री और यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम ये बैठे हुए हैं, ये आगे में बैठे हुए थे, और ये जो टीचर है ये साहब, इनको ये बात बर्दाश्त हुई, कलाम साहब को यहाँ से उठाकर यहाँ वाले पीछे बैठा दे, समझ गए घटना। अब एट पैराग्राफ में पढ़ते हैं, एट पैराग्राफ में बताया जा रहा है ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वॉज वेरी रिजिड इन द टर्म ऑफ द सेग्रेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप। हाउएवर माय साइंस टीचर शिवा सुब्रमण्यम अय्यर फॉर एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण विद अ वेरी कंजर्वेटिव वाइफ वॉज समथिंग ऑफ अदर। अब ये कलाम साहब बता रहे हैं कि उनकी सोसाइटी में, रामेश्वरम की पूरी सोसाइटी में, रामेश्वरम जो एक आइलैंड टाउन था, उस पूरे टाउन में एक फैमिली थी जो धर्म के आधार पर अपने आप को बहुत सिक्योर रखते थे, हिंदू मुस्लिम से बहुत भेदभाव रखते थे। उनका नाम था शिवा सुब्रमण्यम अय्यर। ये एक स्कूल टीचर हुआ करते थे, कलाम साहब के स्कूल के टीचर हुआ करते थे शिवा सुब्रमण्यम अय्यर। ये धार्मिक बातों से किसी धर्म में किसी बच्चों में कोई भेदभाव नहीं किया करते थे, लेकिन उनकी जो वाइफ थी, ये शिवा सुब्रमण्यम साहब की जो वाइफ थी, वो बहुत कंजर्वेटिव थी, इस मामले में धर्म के मामले में बहुत कंजर्वेटिव थी। वो मुस्लिम बच्चों से या मुस्लिम धर्म के समुदाय से हमेशा दूर रहती, इतनी धार्मिक महिला थी। लेकिन ये शिवा सुब्रमण्यम अय्यर साहब इतने अच्छे टीचर थे कि उन्होंने समाज को तो बदला ही बदला, अपनी वाइफ के सोचने और समझने की क्षमता को भी उन्होंने अपनी एक्टिविटी से बदल दिया। आइए जानते हैं कैसे उन्होंने बदल दिया। लिखते हैं कि वाइफ यहाँ से ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर सो दैट पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड कुड मिंगल इजीली। ये जो शिवा सुब्रमण्यम अय्यर साहब है, उन्होंने समाज के बैरियर को तोड़ने की कोशिश की, जो धार्मिक परितारणाएं हमारे समाज में बनी हुई है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इस बैरियर को शिवा सुब्रमण्यम अय्यर साहब तोड़ने की बहुत कोशिश की, और एट लास्ट ही वाज सक्सेस टू ब्रेक दिस काइंड ऑफ सोशल बैरियर बहुत आसानी से। एंड देन ही यूज्ड टू स्पेंड आवर्स विद मी एंड टू से कलाम आई वॉन्ट टू डेवलप सो दैट यू आर ऑन पार with the high educated people of this big city. एक दिन अय्यर साहब क्या कहते हैं, एक्चुअली में अय्यर साहब कलाम साहब के साथ बहुत सारे
टाइम स्पेंड किया करते थे, और जब टाइम स्पेंड करते थे तो आपस में बातचीत करते थे दोनों, और उस बातचीत में अय्यर साहब साइंस के टीचर थे, कलाम साहब से कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हें ऐसा डेवलपमेंट देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हें ऐसा डेवलपमेंट देखना चाहता हूँ कि तुम हमारे रामेश्वरम टाउन के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्तियों में से एक हो। लिखते हैं हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ बिग सिटी, हमारे उस शहर के में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान के रूप में मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। तो आगे क्या कलाम साहब कहते हैं वो जरा पढ़ते हैं। यहाँ 9th पैराग्राफ में बताया जा रहा है, वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील एंड हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ अ मुस्लिम बॉय टू बी इन्वाइटेड टू डिनर इन हर रिचुअल प्योर किचन। अब ये कलाम साहब बताते हैं कि एक दिन शिवा सुब्रमण्यम अय्यर साहब कलाम साहब को अपने घर पे भोजन करने के लिए बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं। जब कलाम साहब अय्यर साहब के घर पे भोजन करने जाते हैं तो इस कंडीशन को देखकर अय्यर साहब की वाइफ बहुत क्रोधित हो जाती है। क्या कहती है वो? कहती है कि वो एक प्योर हिंदू है और उसका किचन भी रिचुअल प्योर किचन है, और वो अपने किचन में किसी भी मुस्लिम बॉय या किसी मुस्लिम कैटेगरी को अंदर आने की अनुमति नहीं देती है, और इसीलिए अय्यर साहब की वाइफ उस आइडिया से हॉरिफाइड थी एक मुस्लिम बॉय के डिनर पर क्यों बुलाया। शी रिफ्यूज टू सर्व मी व्हेन इन हर किचन शिवा सुब्रमण्यम अय्यर वॉज नॉट बट ट्यूटेड नॉट इन ही गेट हंगरी विथ हिज वाइफ बट इंस्टेड सर्व मी। जब कलाम साहब बताते हैं कि जब वो उनके किचन में खाना खाने गए भोजन करने तो उनकी वाइफ कलाम साहब को खाना खिलाने से रिफ्यूज कर दी, तब शिवा सुब्रमण्यम अय्यर साहब अपने हाथों से APJ अब्दुल कलाम के थाली में खाना परोसते हैं। इस घटना से अय्यर साहब को कोई परेशानी नहीं होती, वो गुस्सा भी नहीं होती अपनी पत्नी से वो गुस्सा भी नहीं होती है, और खुद उस मुस्लिम बॉय को खाना परोसते हैं, सर्व करते हैं। आगे बताते हैं हिज ओन हैंड्स, अपने हाथों से उन्होंने खाना परोस दिया APJ अब्दुल कलाम साहब को, एंड इवन आफ्टर ही सैट बिसाइड हिम टू ईट हिज मील, APJ अब्दुल कलाम साहब के बगल में बैठकर शिवा सुब्रमण्यम अय्यर साहब खुद भी खाने लगे, एंड हिज वाइफ वॉच फ्रॉम हिज बिहाइंड फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर, और उनकी वाइफ शिवा सुब्रमण्यम साहब की वाइफ जो किचन के पीछे से उस दृश्य को देख रही थी कि एक पंडित और एक मुसलमान दोनों साथ साथ बैठकर कैसे खा रहे हैं। I wonder whether she had observed any difference in the way I had rice. अब ये कलाम साहब कह रहे हैं कि मैं उनकी वाइफ को ऑब्जर्व कर रहा था कि उनकी वाइफ क्या खोजने की कोशिश करें कि दो लोग जब एक साथ खाना खाने बैठे हैं तो उनके खाना खाने के स्टाइल में क्या डिफरेंस है, शायद इसको ऑब्जर्व करें थी उनकी वाइफ कि वो कैसे खाते हैं, कैसे पानी पीते हैं और कैसे हाथ को साफ करते हैं, ये सारा ऑब्जर्वेशन कर रहे थे। लेकिन व्हेन आई वाज लिविंग हिज हाउस शिवा सुब्रमण्यम अय्यर इनवाइटेड मी टू ज्वाइन हिम फॉर डिनर अगेन इन द नेक्स्ट डे। जब APJ अब्दुल कलाम खाना खाकर वहाँ से अपने घर को लौट रहे थे तभी शिवा सुब्रमण्यम अय्यर साहब ने कलाम साहब को फिर से अगले वीकेंड में डिनर के लिए इन्वाइट किया। अगले वीकेंड में डिनर के लिए कलाम साहब फिर से इनवाइटेड हो गए। ऑब्जर्विंग माय हेजिटेशन ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट सेइंग वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम सच प्रॉब्लम हैव टू बी कन्फ्रंटेड। अब जब कलाम साहब को दोबारा इनवाइट किया गया तो कलाम साहब के फिजिकल अपीयरेंस को देखकर, चेहरे को देखकर शिवा सुब्रमण्यम अय्यर साहब ने कहा कि APJ अब्दुल कलाम साहब दोबारा आने में हेजिटेट कर रहा है क्योंकि उनकी वाइफ ने अच्छे से बिहेव नहीं किया उसके साथ। लेकिन शिवा सुब्रमण्यम अय्यर साहब ने उसको ये दिलासा दिया कि बेटा इफ यू वांट टू चेंज द सिस्टम ऑफ द सोसाइटी यू हैव टू कन्फेस दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। अगर आप समाज को सुधारने जाएंगे तो आपको इस तरह की परेशानियों का सामना करना ही पड़ेगा।
Okay, then when I visited his house the next week, Siva Subramanyam Iyer's wife took me inside her kitchen and served me food with his own arm. अब ये कलाम साहब बता रहे हैं कि अगले वीकेंड में जब कलाम साहब शिवा सुब्रमण्यम अय्यर साहब के घर पे खाना खाने गए तो उस टाइम उनकी वाइफ खुद से कलाम साहब को लेकर अपने रूम में जाती है, अपने किचन में जाती है और अपने हाथों से कलाम साहब को खाना परोस कर खिलाती है। इतना चेंजिंग एक वीक में आ गया था उनकी पत्नी। आगे बात करते हैं। इस दसवें पैराग्राफ में आप देख पाएंगे, टेंथ पैराग्राफ में, देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर एंड इंडिया फ्रीडम वॉज इमिनेंट, इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया डिक्लेयर इन गांधी जी, द होल कंट्री वॉज फिल्ड विथ एन अनप्रेसिडेंट ऑप्टिमिज्म एंड आस्क्ड माय फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द स्पिरिटिक हेल्थ क्वार्टर इन द रामानंद। अब इस दसवें पैराग्राफ में कलाम साहब के द्वारा बताया जा रहा है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिनिश हो गया और इंडिया उस वर्ल्ड वॉर से फिनिश हो गया, छुटकारा मिल गया, लोग अपना जीवन अच्छे से जीने लगे, गांधी जी ने उस वर्ल्ड वॉर को डिक्लेयर कर दिया कि वर्ल्ड वॉर वॉज फिनिश बाय गांधी जी। तब सब लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए फ्री थे। देन आफ्टर अब्दुल कलाम अपनी स्कूल एलिमेंट्री स्कूल पास कर ली थी और हायर एजुकेशन के लिए वो उस डिस्ट्रिक्ट के हेड क्वार्टर में एडमिशन लेना चाहते थे। कौन? एपीजे अब्दुल कलाम। इसलिए वो अपने पिता से इस बात का परमिशन लेने पहुंचे। तब उनके पिता उनको क्या कहेंगे, ऑर्डर मिल पाएगी उनको बाहर जाने की, देखते हैं। इन द 11th पैराग्राफ यू टोल्ड मी एज इफ आई थिंकिंग अलाउड अबुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो, डज द सेगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन अलोंग एंड विदाउट परमिशन। अब उसके पिताजी जो जनरल बाबूजी उनके फादर थे वो एपीजे अब्दुल कलाम के क्वेश्चन को सुनकर वो बताते हैं, बेटा अगर मैं ऐसा सोचूं कि तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए, तुम्हें अपने नजरों के सामने रखूंगा, तो फिर हाउ कैन यू ग्रो योरसेल्फ इनसाइड दिस स्मॉल टाउन। अगर मैं तुम्हें अपने साथ ही रखूंगा तो तुम अपने आप को ग्रो नहीं कर सकते हो। ठीक वैसे ही जैसे सहगल अपने बच्चों को उड़ने के लिए स्वतंत्र छोड़ देता है। सहगल एक समुद्री पक्षी होती है जो अपने बच्चों को उड़ना नहीं सिखाता, खुद उड़ना सीखते हैं। हमने 10th में ये लेसन पढ़ाया था सहगल नाम का और उसमें भी ये लिखा था सेल्फ ड्राइव इज द बेस्ट फ्रेंड। इसलिए मैं तुम्हें कहीं भी जाने से नहीं रोक सकता। अगर मैं तुम्हें कहीं जाने से रोक सकता तो तुम क्या करोगे, तुम्हें अच्छे तरीके से उड़ने नहीं आएंगे, तुम दुनिया से अनजान रह जाओगे। इसलिए आई कांट स्टॉप यू टू गो एनीवेयर, ही कोटेड खलील गिबन टू माय हेजिटेंट मदर। तब उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम के पिताजी ने बोला कि जाओ बेटा तुम अपने माँ से पूछ लो इस बारे में, मैं तुम्हें इसको जाने से नहीं रोक सकता। जब वो कलाम साहब अपनी माँ के पास पहुँचे तो उनकी माँ सोच में डूब गई, हेजिटेशन होने लगी। होता है, देर इज अ मदर एंड देर इज अ चाइल्ड, देर इज अ वेरी गुड रिलेशन बिटवीन बोथ ऑफ मदर एंड अ चाइल्ड, और कोई माँ नहीं चाहती कि अपने बच्चों को कहीं और भेज दे, इसलिए उनके माँ को भी हेजिटेशन होने लगा। योर चाइल्ड आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे आर द सन एंड डॉटर ऑफ आवर लाइफ बिलोंगिंग फॉर इटसेल्फ एंड दे केम थ्रो यू बट नॉट फ्रॉम यू, यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थॉट्स फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स। अब अब्दुल कलाम की माँ जब हेजिटेशन करने लगी तब उनके पिताजी ने उसकी माँ को समझाते हुए कहा कि इस बच्चे को हम और आप दोनों ने मिलकर जन्म दिया है, हम और आप दोनों ने मिलकर जन्म दिया है, लेकिन तब भी वो बच्चा आपका नहीं है, तब भी वो बच्चा हमारा नहीं है। उसकी एक खुद की लाइफ होती है और खुद की लाइफ जीने के लिए खुद का डिसीजन इम्पॉर्टेंट होता है। अब डिपेंड करता है उस बच्चे पे वो किस तरह का डिसीजन लेता है। गलत डिसीजन लेगा गलत रास्ते में जाएगा, अच्छा डिसीजन लेगा अच्छे रास्ते में जाएगा।
एपीजे अब्दुल कलाम के पिताजी उसकी माँ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम अपना प्यार उसे दे सकती हो, तुम उसे अपना प्यार दे सकती हो, अपनी सोच नहीं दे सकती, जो मैं सोचता हूँ वैसा ठीक मेरा बच्चा थोड़ा ना सोचे। यही बात कलाम साहब के पिताजी उसकी माँ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि दे हैव देयर ओन थॉट्स, बच्चों के पास उसकी खुद की सोच होती है और वो खुद की सोच के अनुसार जीना चाहता है, इसलिए इसे इसकी जिंदगी जीने दिया जाता है। और इस तरह एपीजे अब्दुल कलाम का ऑटोबायोग्राफी यहाँ पे फिनिश होता है। यहाँ लिखते हैं एपीजे अब्दुल कलाम एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द विंग्स ऑफ फायर, उन्होंने एक बुक लिखी थी अपने जीवन पर बायोग्राफी जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर। उस विंग्स ऑफ फायर नाम के बुक से निकाला गया एक छोटा सा पार्ट है जो आपको एज ए सिलेबस दिया गया, आपने पढ़ा भी, इंजॉय भी किया और उम्मीद है कि आप इस लेसन से कुछ सीखे भी होंगे, इंस्पायर होंगे। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, अगले वीडियो में। खुश रहिए, घर में रहिए। गुड बाय।